कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। कांग्रेस पक्षाचार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक बार फिर आज हम वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और विषय वही। आज एक बार फिर एक और बड़ा आंदोलन, एक मोर्चा यहाँ पर आया है। समीर वर्तक कांग्रेस के नेता, इनके नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी और दूसरे इतर लोगों ने यहाँ एक मोर्चा निकाला है। इन मोर्चा करो की 28 मांगे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर क्षेत्र में पानी की समस्या हो, सर्वधर्मी दफन भूमि का मामला हो, या भटके कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं उनके काटने का मामला हो, या सांप पकड़ने की व्यवस्था में महानगर पालिका का फेलियर है वो हो, और साथ ही साथ ऐसे 28 मुद्दे हैं जो भी उसमें से मुख्य मुद्दे हमसे बात करते हुए समीर वर्तक ने कैमरे के ऊपर गिनाए हैं, आप आगे सुनेंगे। और ये मोर्चा अभी फिलहाल शुरू हुआ है, अब देखा जाएगा कि क्या इस मामले में किस करवट बैठता है। इनका एक शिकायत यह है कि पिछले कुछ समय से जो आयुक्त का गुरुवार को लोगों को मिलने का समय है, उस समय पर आयुक्त यहाँ मौजूद नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका में आज एक बार फिर एक बड़ा मोर्चा देखने को मिल रहा है। अभी इस मोर्चा कहाँ तक जाएगा, इसके परिणाम क्या आएंगे, या आगे भविष्य में ही मालूम पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। वसई विरार से यूसुफ अली। समीर सर, आज आपने मोर्चे का आंदोलन का एक इशारा दिया है, क्या विषय है, क्या मामला है? देखिए, दिन ब दिन वसई विरार की जब आबादी बढ़ती गई, तो उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने वसई विरार महानगर पालिका स्थापन किया 14 साल पहले। क्यों? तो लोगों के प्रश्न, लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए, लेकिन जब से महानगर पालिका आई है तब से समस्या बढ़ती जा रही है। आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पीने की पानी की गंभीर समस्या है। वसई तालुका के जो सत्ताधारी है, पिछले 35 साल से वसई विरार में जो राज कर रहे हैं, वो खाली पानी का राजकारण कर रहे हैं। आज पब्लिक को पीने का पानी नहीं, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं है, तो आज पीने का पानी बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि वसई विरार में जो लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो उनको मृत्यु के बाद जो सुविधा चाहिए, वो सुविधा में भी आज महानगर पालिका कम पड़ रही है। सर्वधर्मीय दफन भूमि जो हमारे अनशन के बाद बनाई जा रही थी, उसके बारे में भी आज तक महानगर पालिका आगे पीछे कर रही है, तो जल्द से जल्द हमें वो सर्वधर्मीय दफन भूमि मिलनी चाहिए। उसके बाद आपको बताता हूँ कि परिवहन सेवा, पब्लिक को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास महंगा रिक्शा का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आज महानगर पालिका की परिवहन सेवा खाली परिवहन जो का कॉन्ट्रैक्टर है उसके फायदे के लिए चलाई जा रही है। जहां पर जरूरत है वहां पर महानगर पालिका की बस सेवा चल नहीं रही है, और हमारे इस पहले से जो एसटी महामंडल की बस थी, अगर आप चला नहीं सकते तो एसटी महामंडल की बस चालू कीजिए। उसके बाद आपको बताता हूँ, पिछले बहुत सालों से यहाँ पर जो अनाधिकृत बांधकाम हुआ, उसकी वजह से नैसर्गिक जो पानी बह के समुद्र को मिलता था, वो पानी के सब मार्ग माटी भराव करके बंद किए हैं। तो उसके खिलाफ हम लोगों ने जब आंदोलन किया, तब IIT निरी के माध्यम से एक बहुत बड़ा अहवाल तैयार किया गया था कि वसई विरार में पानी ना रुके, लेकिन उसके बारे में आज तक महानगर पालिका ने कुछ भी कार्रवाई की नहीं है। दिन ब दिन वसई में जो पानी की जो समस्या है, डूबने की, बारिश में वसई डूब रहा है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है, लोगों की बहुत तकलीफ हो रही है। वसई विरार 3-3, 4-4 दिन बंद रहता है पानी भरने की वजह से। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कुत्ते जो रहते हैं, वो जगह जगह पे आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं, तो उनको पकड़ने की अभी तक इनके पास सिस्टम है नहीं। ये जो सब चीजें हैं, तो हम लोगों ने टोटल 28 मांगे, जो लोगों की निजी और रोज की जिंदगी के लिए अहमियत रहते हैं, ऐसी मांगे हम लोगों ने रखी है, जिसके पीछे हम लोग पिछले 14-15 साल से महानगर पालिका के पास प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका वो दे नहीं रही है। आपने किस तरह के प्रयास किए, पत्र व्यवहार किए कि आपको बताता हूँ, ये तालुका में सबसे ज्यादा अनशन महीने ही किए है, युवक कांग्रेस के माध्यम से, पर्यावरण संवर्धन समिति के माध्यम से लगातार मैं उपोषण करते आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे इन्होंने जो ये दिए ना, क्या बोलते हैं हम लोग, आश्वासन दिए हैं, लिखित आश्वासन, वो भी ये पूरे नहीं कर रहे हैं। आपको बताता हूँ कि आंदोलन रहेंगे या फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू महानगर पालिका में आते हैं। अभी तो मैं बताता हूँ, पिछले 5-6 महीने से कमिश्नर गुरुवार के दिन मिलने चाहिए, वो मिल भी नहीं रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं और निकल जाते हैं, तो अभी पब्लिक को मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। और आपको बात बताता हूँ, इनके आरोग्य व्यवस्था जो वसई विरार में है ही नहीं। आपको बताता हूँ, बीच में इनका 3 साल इनका एक प्रमुख डॉक्टर, वो डॉक्टर था ही नहीं,
ऐसे क्या हाथ में आरोग्य व्यवस्था दी थी। अभी कुछ वो घरपट्टी वसूल करने वाला आदमी खुद के जेब में पैसे लेके भाग गया इधर से। तो ये जो चीजें चल रही है ये गलत चल रही है। तो सभी जगह से महानगर पालिका लोगों को सुविधा देने में फेल्यूर हो गई है। आपने सर्वधर्म में ही दफन भूमि का भी जिक्र किया, सर्वधर्मी दफन भूमि के मामले में एक अलग प्रकार की राजनीति शुरू है। वहाँ सर्वधर्मी दफन भूमि का काम शुरू होता है, नाम लिखा जाता है तो नाम पर काली, उसके लिए देखिए जो लोग उसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने ऑलरेडी मांग की है। और आपको बता दो, राजनीति बाजू में रखी है, 2001 से 2021 का जो डेवलपमेंट प्लान है वसई विरार का, उसमें दीवान मान की 176 सर्वे नंबर जो है वो बरियल ग्राउंड दफन भूमि के लिए रिजर्व्ड है। और जो प्रशासन की जो देन है वो वहाँ पर देनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि कब्रिस्तान नामक जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो सर्वधर्मीय दफन भूमि है, वो सबके लिए है, वो सर्वधर्मीय दफन भूमि है, वो सभी के लिए है, सभी के लिए है। आज के इस मोर्चे से अगर आपकी मांग का हल नहीं होता तो आगे आपके पास क्या पर्याय है? ना आंदोलन, इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जेल में जाएंगे। लेकिन जब तक लोगों की समस्या हल नहीं होती है हमारा कांग्रेस पार्टी रुकने वाला है नहीं। आपका आंदोलन सिर्फ पार्टी के बैनर तले है या किसी सामाजिक संस्था की या और पार्टियों? नहीं, अभी मैं खुद ही कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही सब आंदोलन है। और पूरे देश में देश स्वतंत्र करने के लिए कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। देश स्वतंत्र होने के बाद देश को संवारने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। और पिछले 9 साल से ये जो जातिवादी पक्ष को जो लोगों ने चुन के दिया था, अभी उनको पता चला है कि ये लोग लोगों की समस्या हल करने के लिए नहीं, खुद के जेब भरने के लिए सत्ता में आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारत देश के सभी नागरिकों को न्याय दे सकती है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर